नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं बागवानी। आज हम बात करेंगे ब्लैक सनी के बारे में। और ब्लैक सनी का पौधा आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में विनय जी बताएंगे, विकास नर्सरी में हम हैं इस समय। विनय जी, इनके बारे में बताइए। तकरीबन 20 से 25 वर्षों का है जी, और ये काफ़ी समय से देख रहे हैं। ये हमारे दादाजी लगाए थे इसके विषय में। अच्छा, और इस तरह के समी हमारे यहाँ रामनगर महाराज के यहाँ लगे हुए थे। अच्छा, जो सूखने के बाद दूसरी तरह के समी जो इस समय प्रचलन में है जी, समी लगा है। इसका समी देखने में आता है, इसके तने जो होते हैं जी ब्लैक होते हैं जी, इसके तना और जड़ ब्लैक है। इसमें फूल के अलावा फल लगते हैं, इमली टाइप के छोटे छोटे फल आते हैं जी। और इसका पौधा तैयार करने में तैयार नहीं हो पाता है। देखिए इसके फल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें बीज नहीं होते, बीज नाम मात्र के होते हैं, इसमें अंकुरित अच्छा नहीं होता है, ये बीच में शक्ति नहीं इसमें। तो ये पौधा आपका कहना है कि ये 20 से 25 साल हो गया है इस पौधे का? हाँ, तकरीबन 20 साल से इसको हम देख रहे हैं, उससे पहले से ही हम देख रहे थे, इतने ही बड़े थे जी। और इसको तैयार करने में कई बार हम लोग कोशिश किए हैं, ग्राफ्टिंग सिस्टम बनाए गुटी द्वारा, या जैसे गुलाब लगाते हैं देसी गुलाब उस तरह जी, दोनों शाखाएँ निकलेगा फिर सूख जाता है। अच्छा, इसकी एक विकल्प हो सकता है या तो आम साइज द्वारा बडिंग जी, वही विकल्प हो सकता है। और तो डिमांड किसी व्यक्ति को ये पौधा चाहिए तो आप कैसे ये पौधा आप देंगे? इसमें सिस्टम यही है कि आम की तरह जो ग्राफ्टिंग होता है जी, या अमरूद की तरह जो बनाया जाता है ग्राफ्टिंग, हाँ, जो लखनऊ में बनता है जी, जिस तरह से उस विधि से हो सकता है, चांसेस है उसके 95%। तो मेरे कोई श्रोता हैं, अगर इस पौधे को लेना चाह रहे हैं तो आप कैसे इसको देंगे? तुरंत तो तैयार होने वाला ये पौधा है नहीं, इसके जो तने होते हैं काफ़ी ठोस होते हैं। अच्छा, इसमें जड़ निकलना थोड़ा मुश्किल होता है जी। इसकी वही सिस्टम जो नीचे शाखाएं होती हैं जड़ में, उसके द्वारा एक साधारण देसी समी लगा करके जी, ग्राफ्टिंग करके जो है कि जी, उसको दोनों साइड से छील के बांध करके 3 से 4 महीने का समय लगेगा उसमें होने में तैयार। तो ये ब्लैक सनी का पौधा आप जान रहे हैं कि ये किस मायने से ये अलग है? पहले तो इसके शाखाएं काली होती हैं। हाँ, इसके तना शाखाएं काली होती हैं और इसके पत्ते भी काले होते हैं। हाँ, इसके पत्ते भी काले होते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक पत्ता खिला है अभी, तो ये थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, बाकी तो सब काले हो गए हैं। और ये रामनगर के राजा भी ये पौधे लगाए हैं अपने, लगाए हुए थे। अच्छा, उनका सूख गया है जो आज जी प्रचलन है, तो वही चल रहा है। ये एक इकलौता पौधा बचा है यहाँ पर, ये रामनगर टेंगड़ा मोड़, आप आके दे सकते हैं ये पौधे के। और विकास जी का हम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप देखते रहिए बागवानी। भारत माता की जय।